Hello students, how are you all? I hope you all are well and safe at your home. So let's begin today's session. This session for class 3rd, subject SST, chapter 3, Festivals of India from 2nd term book. Lecture number 2, topic will be religious and social festivals. Dear students, from which page number we have started? Yes, page number 20. So open your book, page number 20. Every year we celebrate many festivals, some of which are related to the seasons of the year. Birthdays of famous persons are celebrated as religious events. The major festivals of India are Holi, Dashera, Diwali, Christmas and Eid. हर साल हम कई त्यौहार मनाते हैं जिनमें से कुछ वर्ष के मौसम से संबंधित हैं और कुछ फेमस व्यक्तियों के जन्मदिन को धार्मिक आयोजन के रूप में मनाया जाता है। भारत के प्रमुख त्यौहार होली, दशहरा, दिवाली, क्रिसमस एंड ईद है। होली, होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स। अ डे बिफोर होली पीपल लाइट फायर्स टू शो द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल। होली रंगों का त्यौहार है। होली से एक दिन पहले लोग बुराई पर अच्छाई की जीत दिखाने के लिए आग जलाते हैं। इट फॉल्स ऑन द फुल मून डे इन द मंथ ऑफ फागुन मार्च। ये फागुन मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। पीपल थ्रो कलर्ड वाटर एंड सिमर कलर्स ऑन ईच अदर। होली सिंबलाइज ब्रदरहुड। स्पेशल ईटेबल्स लाइक गुजिया एंड स्वीट्स आर प्रिपेयर्ड एंड एक्सचेंज्ड ऑन दिस ओकेजन। एक दूसरे पे रंगीन पानी और गुलाल फेंकते हैं। होली भाईचारे का प्रतीक है। इस दिन स्पेशल खाने की चीज़ें बनती हैं जैसे गुजिया, मिठाई, वह आपस में बांटी जाती हैं। Now underline the word simmer. Dashera. The festival is celebrated in honor of Lord Rama's victory over Ravana. Over a period of 10 days, the Ramlila is staged for the first 9 days, and on the 10th day the effigies of Ravana, Meghnad and Kumbhakarna are burnt. Dashera marks the victory of good over evil. Means 10 dinon tak avdhi mein रावण पर भगवान राम की जीत के सम्मान में त्यौहार मनाया जाता है। पहले 9 दिन के लिए रामलीला का मंचन किया जाता है और 10वें दिन रावण के ब्रदर्स मेघनाथ और कुंभकर्ण को जलाया जाता है। यस, एज वेल एज दशहरे में रावण को भी जलाया जाता है। जो दशहरा जो है एक बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। In West Bengal, it is celebrated as Durga Puja. People worship idols of goddess Durga. On the 10th day, the idols of the goddess are immersed in the river. Underline the word of immersed. Means visarjit karna. पश्चिम बंगाल में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। लोग 10वें दिन देवी दुर्गा की पूजा मूर्तियां की पूजा करते हैं और देवी की मूर्ति जो होती है उसको नदी में विसर्जित कर दिया जाता है।
in Gujarat. Dashera is celebrated as Navratras, and for 9 days people dance and sing songs around a lighted pot called the Garba. गुजरात में दशहरा के दिनों में नवरात्र के रूप में माना जाता है और 9 दिन तक लोग एक रोशनी के चारों ओर नृत्य करते हैं और गीत गाते हैं. इस जो ये नाचते हैं और एक संगीत का प्रोग्राम होता है इसे गरबा कहते हैं. नेक्स्ट इज दिवाली. दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. It is a belief that on this day, Lord Rama came back to Ayodhya along with his wife Sita after 14 years of exile. Underline the word exile, means Vanvas. On this day, people worship Goddess Lakshmi, the goddess of wealth and प्रॉस्पेरिटी. दिवाली रोशनी का त्यौहार है. यह एक मान्यता है उस दिन की कि इस दिन भगवान राम अपनी पत्नी सीता के साथ 14 साल के बाद में वनवास से वापस आए थे. इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं जो धन और समृद्धि की देवी हैं. People illuminate their houses with lights of different colors, diyas and candles, and the houses are decorated. People exchange sweets and gifts with their friends and relatives. अपने घरों को अलग अलग रंगों की रोशनी से रोशन करते हैं, जैसे कि मोमबत्तियाँ, और घरों को सजाया जाता है. लोग अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ मिठाई और गिफ्ट्स उपहार का आदान प्रदान करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. नेक्स्ट इज क्रिसमस. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन द 25th ऑफ दिसंबर बाय द क्रिश्चियंस. जीसस क्राइस्ट वाज बोर्न ऑन दिस डे. क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है. ईसाइयों द्वारा मानना है कि इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था. On this occasion, prayers are held in churches all over the country. People decorate their houses as well as the Christmas tree. Children wait for Santa Claus to bring gifts for them at night. इस अवसर पर पूरे देश में चर्चों में प्रार्थना आयोजित की जाती हैं. लोग अपने घरों के साथ साथ क्रिसमस ट्री को भी सजाते हैं. बच्चे सांता क्लोज के लिए रात के लिए वेट करते हैं कि वो रात में उनके लिए गिफ्ट उपहार लाएंगे. नेक्स्ट इज ईद. ईद इज द फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द मुस्लिम्स. रमजान इज द 9th मंथ ऑफ अ मुस्लिम ईयर. इन इस्लाम It is the holy month of fasting. Throughout the month, Muslims fast down dawn to dusk. Means कि ईद मुसलमानों द्वारा मनाए जाने वाला त्यौहार है. रमजान मुस्लिम वर्ष का 9वां महीना है. इस्लाम में ये उपवास का पवित्र महीना है. महीने भर मुसलमान सुबह से शाम तक रोज़ा रखते हैं. मीन्स वो उपवास रखते हैं पूरा दिन. द डे ऑफ ईद मार्क्स द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ फास्टिंग. पीपल गो टू द मॉस्क्स एंड आफ्टर प्रेइंग नमाज दे एम्ब्रेस ईच अदर एंड विश ईच अदर. उनके व्रत के दिन की समाप्ति का दिन लोग मस्जिद में जाते हैं और नमाज अदा करते हैं.
एक दूसरे को गले लगाते हैं और एक दूसरे को ईद के मुबारकबाद देते हैं। मनी एंड क्लोथ्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर। अ स्पेशल स्वीट डिश कॉल्ड सेविया इज प्रिपेयर्ड इन एवरी होम। गरीबों के बीच पैसे और कपड़े बांटे जाते हैं। हर घर में विशेष मीठे पकवान बनता है। सेविया तैयार की जाती हैं। और भी बहुत सारी मिठाइयाँ बनती हैं, बट जो सेवियाँ होती हैं ये सबके घर में आपको उस दिन स्पेशली बनाई जाती है। किस दिन? ईद वाले दिन। गुरुपूरब, इट इज़ अ फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय द सिक्स इन ऑनर्स ऑफ देयर रिलीजियस गुरुज। गुरु ग्रंथ साहिब द होली बुक इज टेकन आउट इन प्रोसेशन ऑन दिस डेज। स्पेशल प्रेयर्स आर हेल्ड इन गुरुद्वाराज। ये सिखों द्वारा उनके धार्मिक गुरुओं के सम्मान में मनाए जाने वाला त्यौहार है। गुरु ग्रंथ साहिब इन दिनों पवित्र पुस्तक जुलूस में निकाली जाती है। गुरुद्वारा में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की जाती हैं। किस दिन? गुरुपूर्व वाले दिन। नेक्स्ट इज रक्षाबंधन। इट सेलिब्रेट्स द प्योरिटी ऑफ अ ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप। On this day, every sister ties a silken thread called a rakhi round the wrist of her brother. The sister prays to God for her brother's long life and happiness. ये भाई बहन के रिश्ते की पवित्रता का जश्न मनाता है ये त्यौहार। इस दिन हर भाई बहन अपने भाई की कलाई पर राखी नामक रेशमी धागा बांधती हैं। बहन अपने भाई की लंबी उम्र और खुशी के लिए भगवान से प्रार्थना करती है। ब्रदर्स ऑल्सो गिव गिफ्ट्स और मनी टू देयर सिस्टर विच इज अ शॉर्ट ऑफ प्रॉमिस दैट द ब्रदर विल हेल्प हिज सिस्टर इन टाइम्स ऑफ नीड। भाई भी अपनी बहन को उपहार गिफ्ट या पैसे देते हैं, जो एक तरह का वादा है कि भाई अपनी बहन की जरूरत के समय मदद करेगा, हेल्प करेगा। नेक्स्ट इज गणेश चतुर्थी। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन महाराष्ट्र एंड लास्ट फॉर 10 डेज। पीपल मेक ब्यूटिफुल आइडल्स ऑफ लॉर्ड गणेशा एंड वर्शिप देम फॉर 9 डेज। ऑन द लास्ट डे द आइडल्स ऑफ इम्प्रेस्ड इन टू द रिवर। ये महाराष्ट्र में मनाए जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्यौहार है और 10 दिनों तक रहता है। लोग भगवान गणेश की सुंदर मूर्तियां बनाते हैं और 9वें दिन तक उनकी पूजा करते हैं। अंतिम दिन मूर्तियों को नदी में विसर्जित कर दिया जाता है। टीचर्स डे, द 5th of September इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे। On this day, Dr. S. Radhakrishnan was born in 1888. He was the first Vice President of India and later on became the second President of India. 5 September को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन डॉक्टर एस राधाकृष्णन का जन्म 1888 में हुआ था। वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और बाद में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। ही वॉज अ ग्रेट मैन हु स्टार्टेड हिज लाइफ एज अ टीचर। वी सेलिब्रेट हिज बर्थडे एज अ टीचर्स डे। हम उनके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं। चिल्ड्रंस डे ऑल्सो नोन एज बाल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन पंडित नेहरूज बर्थडे ऑन द 14th of November एवरी ईयर। चिल्ड्रंस डे इज अ डे ऑफ फन एंड फ्रॉलिक ऑफ चिल्ड्रन ऑल ओवर इंडिया।
चिल्ड्रन डे जिसे बाल दिवस के रूप में भी माना जाना जाता है हर साल 14 नवंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन पर मनाया जाता है। बाल दिवस पूरे भारत में बच्चों के लिए मस्ती और उल्लास का दिन है। फ्रॉलिक मीन्स उल्लास। स्कूल ऑर्गेनाइज कल्चर प्रोग्राम्स एंड कंपटीशंस। दे डे रिमाइंड्स एवरी वन ऑफ द लव चाचाज नेहरू हैड ऑफ चिल्ड्रन। स्कूल सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। ये दिन बच्चों के लिए चाचा नेहरू के प्यार की याद दिलाता है। इट इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ केरला। पीपल सिंग एंड डांस ड्यूरिंग द 4-day फेस्टिवल। दे हैव अ बोट रेसेस। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। ये केरल का मुख्य त्यौहार है। लोग 4 दिवसीय उत्सव के दौरान गाते हैं, डांस करते हैं, उसके बाद नावों की दौड़ होती है। यह एक फसल उत्सव है। हार्वेस्ट मीन्स कटाई, फसल की कटाई। नेक्स्ट इज पोंगल। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु विच लास्ट ऑफ 3 days। द फर्स्ट डे इज कॉल्ड भोगी पोंगल, अ डे ऑफ फीस्टिंग। द सेकेंड डे इज कॉल्ड अ सूर्य पोंगल व्हेन पीपल ऑफर राइस एंड फ्रूट्स टू द सन गॉड। द थर्ड डे इज कॉल्ड मेथुर पोंगल व्हेन पीपल वर्शिप द काउ। ये तमिलनाडु का फसल उत्सव है जो 3 दिनों तक चलता है। पहले दिन को भोगी पोंगल और दावत का दिन कहा जाता है। दूसरे दिन को सूर्य पोंगल कहा जाता है जब लोग सूर्य को चावल और फल चढ़ाते हैं। तीसरे दिन को मटोर पोंगल कहते हैं जब लोग गाय की पूजा करते हैं। बिहू। इट इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन असम एंड मार्क्स द एंड ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन। सेलिब्रेशन लास्ट फॉर अ वीक इन विच देयर आर बोन फायर्स फीस्ट एंड ट्रेडिशनल डांसेस। ये असम में मनाए जाने वाला फसल त्यौहार है और कटाई के मौसम के उत्सव के अंत को 1 सप्ताह 1 week तक चलाया जाता है जिसमें भोज और पारंपरिक नृत्य होते हैं। इट इज जनरली सेलिब्रेटेड आइदर ऑन द 3rd or 14th ऑफ अप्रैल एंड मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द सोलर ईयर। पीपल ऑफ नॉर्थ इंडिया स्पेशली पंजाब थैंक गॉड फॉर द गुड हार्वेस्ट। ये आमतौर पर अप्रैल के महीने में 13 या 14 तारीख को मनाया जाता है। उत्तर भारत के सौर वर्ष के लोगों की शुरुआत का चिन्हित करता है जो पंजाब में अच्छी फसल के लिए भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। बैसाखी प्रोसेशन ऑन परफॉर्मेंस आर द हाइलाइट्स ऑन दिस डे। दिस डे इज ऑफ स्पेशल इम्पॉर्टेंस टू द सिख्स एज गुरु गोविंद सिंह जी ऑर्गेनाइज द खालसा ऑर्डर ऑन द डे इन 1699। बैसाखी जलूस और प्रदर्शन इस दिन मुख्य आकर्षण होते हैं। ये दिन सिखों के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी 1699 में दिन पर खालसा आदेश का आयोजन किया था। किस दिन, कौन से सन में? 1699 में। नाउ वी विल टॉक अबाउट अदर फेस्टिवल्स। लॉर्ड बुद्धाज बर्थडे इज सेलिब्रेटेड ऑन बुद्ध पूर्णिमा। द बर्थ ऑफ लॉर्ड महावीर इज सेलिब्रेटेड बाय द जैन एज महावीर जयंती।
भगवान बुद्ध का जन्मदिन पूर्णिमा पर मनाया जाता है। भगवान महावीर का जन्मदिन जैन महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। ईस्टर, गुड फ्राइडे, मोहर्रम, ईद मिलन एंड बैसाखी आर सम ऑफ द अदर फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। इन फैक्ट इंडिया इज राइटली नोन एज द लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। ईस्टर, गुड फ्राइडे, मोहर्रम, ईद मिलाद और बैसाखी भारत के कुछ अन्य त्यौहार हैं। वास्तव में भारत को त्यौहारों की भूमि के रूप में जाना जाता है। नाउ वी विल राइट द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन आंसर फॉर दिस लेसन। सो ओपन योर नोटबुक एंड स्टार्ट टू राइट विद फॉर्मेट। फर्स्ट यू हैव टू राइट डेट। And then day. Here lesson number 3. Festivals of India. Here write down C.W. Whenever you do this work, you have to mention date and day according to that day. And listen to students carefully. Whenever you do work, watch the video with me. You will write class work, and whenever you work by yourself or with the help of your parents, you will write homework. H.W. Now you have to write here question answer. Question number 4. Why is significance of the 15th of August answer is India became independent on this day. In the year 1947. Next question is, how is Onam celebrated . Answer is people enjoy dancing, singing, and boat racing on this festival.
Next question is, six number, why is Children's Day celebrated . Answer is Children's Day celebrated as a tribute to Nehru ji. He was known for his affection for kids. The death of Pandit Nehru . It was decided that his birthday be celebrated as a Children's Day. Now it's time to note down your homework. So open your book, page number 24. Page number 24 in your book, practice John A, multiple choice questions. Number 1, Bihu is the festival of A, Kerala, B, Punjab, C, Assam, D, Tamil Nadu. Next is, the festival celebrated when crops are ready for cutting are known as A, national festivals, B, religious festival, C, harvest festival, D, cultural festivals. मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको नेशनल फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल अच्छे से पता लग गए होंगे ये लेसन पढ़ने के बाद, तो आप इसका आंसर सही से कर पाएंगे. नंबर 3, ऑन इंडिपेंडेंस डे द नेशनल फ्लैग इज होस्टेड बाय द ए प्रेसिडेंट, बी चीफ मिनिस्टर, सी प्राइम मिनिस्टर, डी Vice President. So you have to decide which one is the right answer. Number 4, the birthday of Dr. S. Radhakrishnan is celebrated as A, Children's Day, B, Teacher's Day, C, Labor Day, D, Father's Day. So you have to decide which one is the right answer. और अभी आपके अभी एक रिसेंटली सितंबर में कौन सा गया है आप रिकॉल कीजिए. दिस इज योर होमवर्क एंड यू हैव टू डू योर होमवर्क एंड क्लास वर्क नीट एंड क्लीन एंड सेंड टू मी ऑन माय ईमेल आईडी.
Subscribe this channel if you like my video that it is this lecture. Goodbye. Thank you.